आज मैं लेके आई हूँ स्ट्रॉबेरी केक, क्योंकि आजकल स्ट्रॉबेरीज का सीजन है। इससे पहले मैंने ऑरेंज केक बनाना सिखाया था और सेम उसी रेसिपी को लेके मैंने स्ट्रॉबेरी केक भी बनाऊंगी, और वो भी ब्लेंडर में। ऑरेंज केक भी ब्लेंडर में ही बनाया था, और आज मैं सिर्फ पैन यूज करूंगी, पैन में ही इसको बेक करूंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस पतीले को, कोई भी आप यूजलेस पतीला ले लें, इसके अंदर हमने ये रखनी है सॉसर। कोई भी आपके पास यूजलेस सॉसर हो या कोई स्टैंड हो वो इसमें रखना है, और इसको हमने तकरीबन मीडियम फ्लेम पे प्री हीट पे रख देना है। तब हमने केक बनाना, मतलब मिक्सचर बनाना स्टार्ट करना है। तो चलें फिर। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सबसे पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमें चाहिए होंगे अंडे, बेकिंग पाउडर, हैंडफुल स्ट्रॉबेरी, चीनी, ऑयल और मैदा, और साथ में कुछ थोड़ा सा वार्म मिल्क भी। इन सारों की क्वांटिटी मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताती जाऊंगी। हमने 1.5 कप मैदा लेना है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और 1/2 टीस्पून नमक, इसको हम छान लेते हैं। मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया, इसको हम लोग साइड पे रख देते हैं। ये वाला देख लें आप कितना बारीक मैंने स्ट्रेनर यूज किया। और ये रहा ब्लेंडर, इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, तकरीबन 3/4 कप चीनी, या 1 कप भी ले सकते हैं। जिनको चीनी ज़्यादा अच्छी लगती है वो 1 कप से भी ऊपर थोड़ी सी चीनी ले सकते हैं, लेकिन मैं 3/4 कप ही चीनी ले रही हूँ। और मैं चीनी पिसी भी नहीं ले रही, बिल्कुल जैसे आप मोटी चीनी जो आम घर में यूज होती है वही लूंगी। चीनी ऐड की, और इसमें जाएंगे 3 अंडे बड़े साइज के, और वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तीन अंडे और 3/4 कप ऑयल या मेल्टेड बटर, और हैंडफुल स्ट्रॉबेरीज, इसके ये आप ग्रीन पार्ट उतार दें और इनको बेशक हाफ हाफ काट लें ताकि ब्लेंड होने में इसको मुश्किल ना हो। ठीक है, हैंड मेरे अच्छे तरीके से वॉश्ड हैं, और ये मैंने हैंडफुल इसमें स्ट्रॉबेरीज ऐड कर देनी है। अब हम ब्लेंडर चला देते हैं। मैं इसमें रेड फूड कलर भी यूज करूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर कोई पसंद करता है तो डाल लें। मैं ये डालूंगी बच्चों की वजह से, क्योंकि थोड़ा आई कैचिंग होता है, बच्चे पसंद करते हैं पिंक कलर का केक। ये तकरीबन ये 1 मिनट ही इसको हमने ब्लेंड किया है। अब हम ये मिक्सचर एक बाउल में निकाल लेंगे, और इसके बाद हम ऐड करेंगे ये मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक को जो पहले हमने छान के रखा था, इसको हमने 3 हिस्सों में इस अंडे के मिक्सचर में, और इसको सिर्फ इस हैंड मिक्सर से ही मिक्स ही करना है। ये फ्रेंड्स ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखें इसमें मैंने दूध ऐड नहीं किया, क्योंकि दूध ऐड करने की जरूरत ही नहीं पेश आई। ऑलरेडी स्ट्रॉबेरीज में भी काफ़ी पानी था, और इस वजह से ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें बिल्कुल हमने दूध ऐड नहीं किया। ठीक है, अब हम इसको केक पैन में डालते हैं। केक पैन को भी हम पहले ही रेडी कर लें या अभी कर लें रेडी, वैसे पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, मैंने रेडी नहीं किया था तो अभी मैं कर रही हूँ। ये वाला बाउल आज थोड़ा सा बड़ा बाउल है, ये मुझे मिल गया कहीं से। इसके अंदर ये मिक्सचर ऐड करेंगे, डालेंगे, ये देखिए ये मिक्सचर इसमें डल गया। और पहले हम इसको थोड़ा सा हल्का सा टैप करेंगे पतीले में रखने से पहले, ताकि जो भी इसकी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अच्छा, पतीले में रखने का भी एक तरीका है, ढक्कन को हटा के आपने फौरन इसके अंदर रख देना है, ताकि जो अंदर हीट इसकी जमा हुई हुई है वो बाहर ना निकल जाए। ऐसे करके रख के, और ऊपर फौरन आपने इसके ऊपर इसका जो लिड है वो दे देना है, और
कुछ फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं फ्लेम के बारे में, ये देखें, ये फ्लेम इतना हाई होना चाहिए, हाई मीडियम फ्लेम, ठीक है। पहले 15 मिनट, उसके बाद हम इसको स्लो कर लेंगे। अब हम इसको कम से कम 25 मिनट तो हमने इसको भूल जाना है, 25 मिनट के बाद हम देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। 35 मिनट्स हो गए हैं और केक बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसके अंदर यहाँ पे भी ये छुरी भी डाल के देखी और ये बिल्कुल क्लियर निकली, ठीक है। अब मैं इसको ठंडा होंगी, फिर इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा यमी स्ट्रॉबेरी केक। उम्मीद है आपको इसकी आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। देखिए मेरे हाथों में ये तो टूट रहा है, थोड़ा सा बहुत मजे का, बिलीव मी। उम्मीद है आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।